दूसरा क्वेश्चन लेकर लेकर आया हूँ, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। और क्वेश्चन देखो क्या है, दो इक्वेशन दी हुई है, दो इक्वेशन में पहली इक्वेशन x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो रूल को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर वो दोनों भी रूल काम नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो दोनों रूल को हम लोग को लाना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला रूल यही है कि जो भी यहाँ पर अननोन वेरिएबल है जैसे x और y है, तो दोनों y या दोनों x कोई भी एक का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, या तो x का या तो y का, कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ पर दोनों का नहीं है, x x का देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, तो कोएफिशिएंट तो सेम नहीं है। यहाँ पर कोएफिशिएंट एक का 7 एक का 2 है, यहाँ भी सेम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ईजी क्या पड़ेगा, हम लोग को x का कोएफिशिएंट सेम करने ईजी पड़ूंगा, क्योंकि देखो पहले इक्वेशन को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो मेरा x का कोएफिशिएंट पहली वाली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन का सेम हो जाएगा। तो देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 20y हो जाएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो गया। अब नीचे वाला वैसे क्या वैसे लिखो, उसको कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ अब देखो हमारा x का कोएफिशिएंट सेम हो गया, कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना था, हमने x का कर दिया, पहला रूल तो हमने कर दिया। दूसरा, लेकिन अब दूसरा रूल, क्या दूसरा रूल यहाँ पर सेटिस्फाई होता है ना, दूसरा रूल भी सेटिस्फाई नहीं होता है। तो दूसरा रूल सेटिस्फाई करने के लिए, दूसरा रूल क्या है पहले वो देख लो, जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है उसकी साइन अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों की साइन प्लस है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली की साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, नीचे वाली पूरी इक्वेशन की साइन चेंज करना है, माइनस है तो प्लस कर दूंगा, या प्लस है तो माइनस कर दिया, साइन हो गई चेंज। तो देखो अब दोनों रूल हमारा सेटिस्फाई हो गया, अब 3x माइनस 3x कट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 21 प्लस 2y कितना होता है 21, 22, 23, 23y। अब 30 में से माइनस 7 को माइनस किया तो कितना आएगा, जल्दी जल्दी गिनो, 23 आएगा। ठीक है, तो 23y इज इक्वल टू 23, अब 23 जो है इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 23 से 23 डिवाइड हो रहा है। अब बोलो मुझे 23 से 23 डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये तो बहुत हार्ड है ना, 1 आंसर हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1 हो गई। ओके, एक वेरिएबल हमारे को मिल गया वाई वाई, अब दूसरा वेरिएबल निकाल लेंगे, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, ये या तो ये, मैं पहली वाली ले लेता हूँ, एक्स प्लस 7 वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब एक्स प्लस 7 वाई की जगह क्या रखेंगे हम, अरे पाप 1 रखना है। ठीक है, तो 7 वन सा क्या होता है, 7 होता है इज इक्वल टू 10, 7 उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो बाबू भाई, तो 7 उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 7 3, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी 3। पाप रे पाप, एक्स की वैल्यू भी निकल गई, वाई की वैल्यू भी निकल गई, हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हमको यहाँ पर दोनों वैल्यू निकल गई, दोनों वैल्यू सॉल्व हो गया, तो अब हमारा इक्वेशन, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है।